वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 98। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 98 है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, आप यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हमने। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑल स्टेट से नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टाफ नर्स, ANM, JNM, MPPB, WebMD एंड MPNHM, UPNHM, बिहार, राजस्थान, केला, आसाम, कर्नाटक, ऑल स्टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MPCHO, UPCHO, आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग एंड एम्स एंड PGI एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लें आप और अपना आंसर बता सकते हैं आप, और बताएं आपने लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेंशन है, RH के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। विच पेयर इज नॉट सुटेबल फॉर मैरिज अकॉर्डिंग टू RH। RH के अनुसार कौन सा विवाह नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह है क्वेश्चन का कि कौन सा विवाह नहीं होना चाहिए या सुटेबल नहीं है मैरिज के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप ऑप्शन पढ़ें, अपना आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा यदि पुरुष का जो RH है वो पॉजिटिव है और महिला का RH नेगेटिव है। यहाँ पर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ये M मतलब मेल है, F मतलब फीमेल है, ठीक है। अगर पुरुष का जो RH है वो पॉजिटिव है और महिला का नेगेटिव है तो ये विवाह अमान्य है, मतलब ऐसा विवाह सुटेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये विवाह नहीं होना चाहिए या ये विवाह अमान्य है, ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सुटेबल्स नहीं होगा। लेकिन मोस्टली लोग, किसी को ये पता नहीं होता, शादी ऐसे ही हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। RH के अनुसार कौन सा जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अगर पुरुष का RH पॉजिटिव होगा, RH प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और महिला का निगेटिव होगा, महिला का निगेटिव होगा, तो ये विवाह क्या होगा, सुटेबल नहीं माना जाएगा। ओके, क्यों नहीं माना जाएगा, चलिए डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव वाला विवाह अमान्य होगा या सुटेबल नहीं होगा। यदि पिता का रक्त समूह या सॉरी यदि पिता का जो रक्त होता है RH पॉजिटिव है, मतलब कैसा है, प्लस में है, पॉजिटिव है, और माता का निगेटिव है, तो जन्म लेने वाले जो शिशु की गर्भावस्था या जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये सुटेबल नहीं माना जाता। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ये इसलिए सुटेबल नहीं माना जाता है यदि जो मेल पर्सन है उसका RH पॉजिटिव होगा और महिला का, माता का या माँ का वो क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा, तो जन्म ले जब ये दोनों विवाह कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो जन्म लेने वाला शिशु होगा उसकी गर्भावस्था या जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कब होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है, यहाँ पर देखें, यह स्थिति समानता प्रथम संतान के जन्म लेने के बाद आती है, मतलब पहला बच्चा तो जन्म ले लेगा लेकिन जब दोबारा जन्म लेगा बच्चा तो उसकी क्या हो जाएगी, गर्भावस्था में मृत्यु हो जाएगी या गर्भ या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये स्थिति कब आती है, प्रथम संतान जब जन्म ले लेता है, दोबारा जो बच्चा जन्म लेगा उसमें ऐसी स्थिति आती है, किसमें, जब पुरुष का मेल पर्सन का RH पॉजिटिव होगा और महिला का RH क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब ये प्रथम संतान के जन्म के बाद ये स्थिति आती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, पढ़ सकते हैं, ये लिखा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिज्म के नाम से जाना, फेटलिस के नाम से जाना जाता है इसे। आपके लिए इतना जरूरी है कि जो जन्म लेने वाला शिशु होगा वो गर्भावस्था में मर जाएगा, जन्म अवस्था जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा कब होता है, इस तरह भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, तो ऐसा तब होता है जब प्रथम संतान जन्म ले लेता है तो उसके बाद वाला जो संतान जन्म लेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम्स होगी कि वो गर्भावस्था में अगर उसकी डेथ हो सकती है या जन्म लेने के बाद उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और वो कब होगा, जब पॉजिटिव होगा पुरुष और निगेटिव होगा महिला का RH, महिला का RH निगेटिव होगा और पुरुष का पॉजिटिव होगा, तब ऐसा होता है। यही बात यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है, आप पहले समझ लीजिए RH होता क्या है। RH फैक्टर एक प्रकार का इनहेरिटेटेड प्रोटीन्स होता है, मतलब इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिला होता है, ठीक है, इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। इनहेरिटेटेड एक प्रकार का प्रोटीन होता है RH, और सो बींग RH नेगेटिव और दी RH पॉजिटिव इज द डिटरमाइंड बाय योर पेरेंट्स, और ये बात आपके पेरेंट्स पर निर्भर करती है कि आपका जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव है। लेकिन जो मोस्टली जो RH पाया जाता है मोस्टली लोगों में वो RH पॉजिटिव पाया जाता है। कौन सा RH पाया जाता है, RH पॉजिटिव पाया जाता है, बहुत रेयर केस होता है ये नेगेटिव वाले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये समझ लें आप सारे डाटा जितने भी मेंशन किए हमने। व्हेन अ मदर टू बी
एंड फादर टू बी आर दी नॉट बोथ पॉजिटिव और द निगेटिव फॉर आर एच फैक्टर इट इज कॉल्ड दी आर एच इनकम्पेटेबिलिटी। इसका मतलब होता है आर एच असंगति कहेंगे। यदि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष दोनों का रक्त समूह अगर ये आर एच क्या है जो आर एच है पॉजिटिव होगा दोनों का तो शादी हो सकती है या अच्छा माना जाएगा, ठीक है। दोनों का निगेटिव होगा तब भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन जब महिला का निगेटिव होगा और पुरुष का पॉजिटिव होगा तब ये अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन महिला का अगर निगेटिव है, महिला का अगर निगेटिव है, फीमेल का अगर निगेटिव है और पुरुष का क्या है पॉजिटिव है तब भी ये शादी हो सकती है, तब भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है, तब भी अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर मेल का पॉजिटिव है और फीमेल का निगेटिव है तब ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से एग्जाम्पल ग्रुप में, यदि कोई महिला है उसका आर एच निगेटिव है और पुरुष जो है उसका आर एच पॉजिटिव है तो जो बेबी जो कंसीव होता है द फेटस में बी हैव द आर एच पॉजिटिव ब्लड इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। उसको क्या होता है पिता के द्वारा उसे वो ब्लड ये आर एच मिला होता है, जो आर एच होता है वो पिता के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। निगेटिव अगर महिला का होगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है, और फिर पॉजिटिव अगर मेल का होगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये मतलब ऐसी शादी या ऐसी शादी मतलब मान्य हो जाएगी या सुटेबल्स मानी जाएगी। लेकिन मानी कब नहीं जाएगी सुटेबल्स, जब पुरुष का पॉजिटिव होगा और महिला का निगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जांच करा के शादी नहीं करता, लेकिन समझने के लिए आपके क्वेश्चन दिया गया कि आप इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर टू, क्वेश्चन टू पढ़ लें आप और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन टू पूछा गया एग्जाम्स में, क्वेश्चन सभी पूछे गए एग्जाम्स में सिलेक्ट किए हमने, ठीक है। क्वेश्चन टू पे लिखा है रजोचक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है जो एमसी का नियमन करती है, विच इज द ग्लैंड डेट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे रजोचक्र कहा जाता है। तो कौन सी ग्लैंड करती है भाई एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करती है मंथली में, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि। रजोचक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नियमन करती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, मतलब जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये होती कहाँ, ये खोपड़ी में आपकी होती है, मतलब मस्तिष्क में होती है, ठीक है, कहाँ होती है मस्तिष्क में होती है, यहाँ पर स्थित होती है। और ये किसका नियमन करती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करती है। आप इसी तरह एटलीस्ट क्वेश्चन टू आंसर याद कर लें, डिटेल्स काफ़ी सारी मेंशन है आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती हैं, तब आपका आंसर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है एक ही दे के आंसर पूछा जाता है, मोस्टली दिया जाता है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को देके आंसर पूछा गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों कंट्रोल करते हैं, किसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को या रजोधर्म को, ओके। एंड द हाइपोथैलेमस ट्रिगर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू मेक द हार्मोन्स। ये क्या करता है, ये इसे संकेत देता है, किसे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बताता है कि हार्मोन्स बनाए जाएं, डेट ट्रिगर्स द ओवरीज। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये ट्रिगर्स करती है किसको, ओवरीज को। ओवरीज क्या करती है, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है। हाइपोथैलेमस ट्रिगर्स करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ट्रिगर्स करेगी किसे, ओवरी को। ओवरी क्या करता है, फिर ये हार्मोन्स बना देता है। लेकिन कंट्रोलिंग कहाँ से होती है मेनली, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, ओके। और जब दोनों ऑप्शन पूछ लिए जाए पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों से कंट्रोलिंग होती है, किसकी, एमसी की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की। उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय दी ब्रेन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दी ओवरीज, दीज हार्मोन्स कंट्रोल बाय दी कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जो मेनली आंसर है आप इस पे फोकस करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा आंसर क्या होता है हमारा, ये होता है हाइपोथैलेमस, और ये प्रोड्यूस जो होता है वो कहाँ से होता है, ओवरीज द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। कौन कौन से हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेकिन संकेत कौन देता है, ये इसे बताता है, और पिट्यूटरी क्या करती है, ओवरी को संकेत देती है, ओवरी के माध्यम से इनका निर्माण होने लगता है। कौन से हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन्स, ये एस्ट्रोजन्स पढ़ा है, इसे कभी कभी ओ एस्ट्रोजन्स लिखा है लेकिन एस्ट्रोजन्स पढ़ा जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये स्त्री सेक्स हार्मोन्स हैं, इन्हें स्त्री सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा थ्री पढ़ लें आप, काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर जल्दी से। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर्स प्रोवाइड द इमीडिएट एनर्जी। क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या, ग्लूकोज। एक प्रकार की ये शुगर का टाइप्स है, ये जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर शुगर के सारे टाइप हैं,
लेकिन आपको ध्यान रखना है जो तत्काल जिससे ऊर्जा मिल जाती है। आप ऐसी कोई चीज़ ऐसा सब्सटेंस इनटेक करें या खाएं जिससे आपको तत्काल इमीडिएट एनर्जी मिल जाएगी, तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन डी पे जो मेंशन है उसे कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज अगर आप पीते हैं, आप खाते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इंस्टेंट मतलब होगा तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है, मतलब इमीडिएट एनर्जी आपके बॉडी में आपको प्रोवाइड हो जाती है। आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में समझ सकते हैं। ग्लूकोज इज सिंपल शुगर, एक प्रकार का शुगर का रूप होता है। कौन? ग्लूकोज। बाकी सभी ग्लूकोज जितने दिए गए हैं यहाँ पर, सेलुलोज ग्लूकोज, सभी शुगर के टाइप हैं, लेकिन इनमें जो इंस्टेंट एनर्जी देता है वो देता है ग्लूकोज, विच कैन बी रेडली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कौन? ये ग्लूकोज। वंस इनसाइड द ग्लूकोज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ द एपी। जैसे ही एब्जॉर्ब किया जाता है ग्लूकोज, फिर क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होने लगता है, फिर इससे रिलीज होता है एटीपी, एडनोसिन ट्राईफास्फेट कहते हैं इसे। कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है एटीपी का, एडनोसिन ट्राईफास्फेट। फिर क्या होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स डेट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द सेल्स। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, पूरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, इसलिए इससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। किससे? ग्लूकोज से। और इसका एक कारण और होता है, जैसे कि मान लो आप ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज क्या होता है, मीठी चीज़ों में पाया जाता है। मीठी चीज़ें जैसे शहद हो गया, चीनी हो गया, चॉकलेट हो गया, इनमें सब में क्या होता है, ये पाया जाता है ग्लूकोज, या आप कहें शर्करा पाई जाती है। जितनी भी मीठी चीज़ें होती है सब में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, एक बात कॉमन होती है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इसका जो पाचन होता है ना, डाइजेशन, वो हमारे माउथ से प्रारंभ हो जाता है। हमारे जो माउथ से जिस चीज़ का प्रारंभ पाचन या डाइजेशन प्रारंभ होगा ना, तो उससे हमें क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। बाकी जो वसा फैट होता है, इसका जो पाचन प्रारंभ होता है ना, वो आमाशय मतलब पेट से प्रारंभ होता है, स्टमक से प्रारंभ होता है, इसलिए उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है तोड़ने में या एनर्जी देने में। जो ग्लूकोज होगा, इसका जो डाइजेशन होगा माउथ से प्रारंभ, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या, कार्बोहाइड्रेट का टाइप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पढ़ लें आप। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। इज अल्फा क्रिएटिन अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका, कहाँ पर उपस्थित रहता है अल्फा क्रिएटिन? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अल्फा क्रिएटिन, तो यहाँ पर आप क्रिएटिन का मतलब समझे केवल, ये कहाँ पाया जाता है आप इतना बताएं पहले। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये स्किन में पाया जाता है। कहाँ? स्किन में पाया जाता है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो उपस्थित होता है कहाँ? आपकी स्किन में उपस्थित होता है, आपकी त्वचा में उपस्थित होता है, एपिडर्मिस में। ओके, यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस चीज़ों से। जो अल्फा जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है वो एपिडर्मिस ऑफ द लेयर, और एपिडर्मिस किसे कहा जाता है, ये स्किन की जो ऊपर वाली परत होती है, लेयर होती है, इसको एपिडर्मिस ऑफ द स्किन कहा जाता है। मतलब त्वचा का बाहरी पार्ट को एपिडर्मिस कहा जाता है, इसके नीचे वाले को डर्मिस कहा जाता है, फिर इसके नीचे जो होता है उसे सबक्यूटेनियस कहा जाता है। ओके, सबक्यूटेनियस टिश्यू। आप समझे, यहाँ पर त्वचा, बाल, नाखून, खुर, सींग का निर्माण के लिए जो सहायक प्रोटीन होता है उसे केराटिन कहा जाता है, ठीक है। जो गाय भैंसे बकरियों के जो सींग होते हैं वो किसके बने होते हैं, आप कहेंगे केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिर जो आपके नेल होते हैं, नाखून होते हैं, जो आपके बाल हैं, ये कब, ये किन चीज़ों से मिल के बने, कौन से प्रोटीन से, या आपके बालों में, नाखून में, नेल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तब आप बताएंगे कि केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केराटिन इज द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन दैट मेक्स अप योर हेयर्स एंड स्किन एंड नेल्स। एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आपके बाल, हेयर्स और नेल्स का निर्माण करता है या बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट पे लिखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया। अंडे में पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है ये पाया जाता है। कौन? ये लिखा है ग्लोबुलिन्स, यहाँ पर पढ़ने ग्लोबुलिन्स पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ये लिखा है एल्बोमिन, ये आप यहाँ पर स्पेलिंग पढ़ लें, ओवल ब्यूमिन पढ़ लें, या इसे पढ़ें ओवल ब्यूमिन, इस तरह। ये 54% होता है। ये कहाँ पाया जाता है, जो अंडा होता है एग्स, उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ये येलो वाला अंदर होता है, व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन पाई जाती है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटीन किस में पाई जाएगी, येलो वाले पार्ट में या व्हाइट वाले पार्ट में, तब आप बताएंगे उसके व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन पाई जाती है। और ये 54% क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है किसका, प्रोटीन का, जो अंडे में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ये वाली प्रोटीन अंडे में पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना है ये दोनों प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मोस्टली कई बार ये देख के पूछा गया है। ये लिखा है ग्लोबुलिन्स, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लेकिन इंपॉर्टेंट है, बीएमडी परीक्षण किस की पहचान के लिए किया जाता है? द बीएमडी टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई विच वन। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए अपना आंसर।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस, बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं इसे। इसका जो पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी होता है। तो ध्यान रखिए, आपको कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या होता है बीएमडी का, तो आपको ध्यान रखना है बोन मिनरल डेंसिटी होता है, और इससे किसकी पहचान की जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान की जाती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ, डॉक्टर यूज द बोन मिनरल बोन डेंसिटी टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई द डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी बिफोर यू ब्रेक योर बोन, डिटरमाइन योर रिस्क ऑफ द ब्रोकन बोन्स फ्रैक्चर्स, कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, ये बोन डेंसिटी चेक करते हैं, और वो बीएमडी के माध्यम से चेक किया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से? बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब इससे बोन की डेंसिटी चेक की जाती है। और ये मोस्टली जो जो भी बच्चे क्या होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, या बुढ़ों में, ये जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज वाले, इनमें क्या होता है, इनका बीएमडी किया जाता है। तो वो लोग देखते हैं कि कितना डेंसिटी है आपका, कितना डेंसिटी है आपके बोन का। अगर बोन में कम डेंसिटी होता है तो कहते हैं कि आपकी हड्डियां क्या हैं, कमजोर पड़ गई हैं। मतलब क्या होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, इसे कहा जाता है इसका जो घनत्वपन है, डेंसिटी मतलब होता है जो घनत्वपन है, ये कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे फाइंड कर लिया जाता है, कहीं आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार तो नहीं हो रहे, मतलब आपकी हड्डियां नॉर्मली छोटी मोटी जगह से कूद जाएंगे, गिर जाएंगे, पलंग से, बेड से, या कहीं पर भी, तो आपकी हड्डियां क्या मतलब फ्रैक्चर हो सकती हैं, टूट सकती हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म किया जाता है उससे, तो डेंसिटी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बीएमडी से डेंसिटी देखा जाता है, और कंफर्म क्या किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म किया जाता है, कहीं आपकी हड्डियों में जो बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब जो हड्डियों में डेंसिटी है, मतलब घनापन है, वो ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो बूढ़ों की हड्डियाँ क्या होगी, टूट जाएंगी, ओके, बहुत ब्रेकेबल हो जाएंगी। और जिसमें जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उसकी हड्डियाँ उतनी ही ज़्यादा मजबूत होंगी, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आमिर सर ने, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट यूजेस द एक्सरे टू मीजर्स। बोन मिनरल डेंसिटी में क्या होता है, एक्सरे से मीजर किया जाता है, एक्सरे से पता किया जाता है अमाउंट ऑफ द मिनरल्स, क्या जो मिनरल्स है वो कितना है, नेमली कैल्शियम पता किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले बीएमडी में कौन सा तत्व को फाइंड किया जाता है आपकी हड्डियों में या बोन्स में, तब आप बताएंगे कैल्शियम को देखा जाता है, कि कैल्शियम कितनी मात्रा में। आपको पता होगा कि कैल्शियम की वजह से ही हमारी जो बोन होती है ना, कैल्शियम की वजह से ही हमारी बोन क्या होती है, मजबूत होती है, कैल्शियम की वजह से। तो कैल्शियम देखा जाता है कि आपकी बोन्स में कितना कैल्शियम है, डेंसिटी क्या है कैल्शियम का, और इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने के तो चांस नहीं है। ठीक है, एक प्रकार की बीमारी होती है, डिसीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ओके। इससे बीएमडी से क्या चेक किया जाता है, कैल्शियम चेक किया जाता है। जब भी ऑप्शन में मिले कैल्शियम, आयरन, तब आप बताएंगे कैल्शियम। जब आपसे मान लो इस तरह ना पूछा जाए, तब आप बताएंगे कि इससे क्या होता है, डेंसिटी चेक की जाती है बोन की। पूरा नाम ही यही होता है बीएमडी का, बोन मिनरल डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इलगा, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है, हाउ मच डज अ हेल्दी पर्सन यूरिनेट इन अ डे। क्या होगा राइट आंसर, बताएं अपना आंसर, कई बार क्वेश्चन हमने करवाया भी है, ये कई बार पूछा भी गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.5 लीटर। इसका मतलब होता है 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर, मतलब 1 लीटर 500 ग्राम, इतना एक व्यक्ति दिन एक दिन में क्या करता है, टॉयलेट करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, पढ़ें आप अपना आंसर बताएं। एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है, व्हाट डज एड्स वायरस डिस्ट्रॉय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। एड्स का जो वायरस होता है ना, वो किसे नष्ट करता है, लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, इसे अच्छे से आप समझ लें। यहाँ पर कभी मान लो ऑप्शन में आपको लिम्फोसाइट मोस्टली दिया जाता है, ना दिया जाए, तब आप बताएंगे जो एड्स का जो वायरस होता है ना, वो किसे नष्ट करता है, CD4 लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। कभी लिम्फोसाइट दिया जाता है, कभी कभी मान लो CD4 दिया जाता है, और कभी कभी T4 दिया जाता है, कभी कभी टी सेल्स दिया जाता है। तो ध्यान रखिए सबका आंसर यही, मतलब क्वेश्चन एक ही है, इसके आंसर का ही है, मतलब इन सभी को नष्ट करता है। ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं, T4, टी सेल्स। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए एग्जाम्स में कि एड्स का जो वायरस होता है किसे नष्ट करता है, आपका आंसर होगा लिम्फोसाइट। जब ये लिम्फोसाइट नहीं होगा तो किसे बताओगे आप, T4 को नष्ट करता है, मतलब टी सेल्स को। जब ये नहीं होगा तो आपको मिलेगा टी सेल्स, मतलब इन सब में पूरे नहीं मिलेंगे, कभी भी एक ही मिलेगा, क्योंकि ये एक ही के नाम है। ठीक है, तो टी सेल्स को नष्ट करता है या CD4 को नष्ट करता है, ओके। यहाँ पर आप समझ लें थोड़ा सा डिटेल्स में, लिम्फोसाइट आप व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल्स है, ओके। डेट आर दी आल्सो नो
वा आल्सो वन ऑफ द बॉडी मेन टाइप्स ऑफ द इम्यून सेल्स। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ना, जिसे आरबीसी कहा जाता है, ये आरबीसी के अंतर्गत के रूप हैं सारे, ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोसेल्स, ये क्या है, आरबीसी के टाइप्स हैं। तो ध्यान रखना, जो आरबीसी होता है ना, ये प्रतीक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये मतलब हमें रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है, हमारी मदद करता है। कौन, ये डब्ल्यू बी सी का कार्य होता है, मतलब हमें संक्रमण से बचाता है या हमारी प्रतीक्षा प्रणाली को ठीक रखता है। लेकिन जो लिम्फोसाइट होता है, इसका जो मेन कार्य होता है इम्यून जो सिस्टम होता है हमारा, जो मतलब प्रतीक्षा प्रणाली होता है, इसको मजबूत बनाए रखता है। और जो एड्स वाला जो वायरस होता है ना, वो क्या करता है, इसी को ख़त्म कर देता है, ढूंढ ढूंढ के इसी को फाइंड करेगा और इसी को ख़त्म कर देगा। किसको, लिम्फोसाइट को, या उसे ये मिल जाए, कौन, CD4 मिल जाए, उसे ख़त्म कर देगा। और इसे T4 कहेंगे तो T4 भी ख़त्म कर देता है। लेकिन एक बात देने का, 1984 में इसका नाम बदल के ये रख दिया गया है, क्या, CD4 रख दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कि आपको ध्यान रखना है एक ही बात का नाम है, T4 या टी सेल्स। पहले इसे इस नाम से जाना जाता था, T4 के नाम से, लेकिन इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, CD4 कर दिया गया है। ओके, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी T4 दे दिया जाता है, जो एड्स का वायरस होता है, किसे नष्ट करता है, तो आप बताएंगे T4 को नष्ट कर देता है। ये नहीं होगा तो आप कहेंगे कि टी सेल्स को नष्ट कर देता है। ये नहीं होगा तो आप बताएंगे कि किसे, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। ये नहीं होगा तो आप बताएंगे CD4 को नष्ट कर देता है। और ये भैया सभी एक ही नाम है, ठीक है, आप इनको इक्वल टू करके लिख लें, CD4, लिम्फोसाइट, T4, टी सेल्स। समय समय पर क्या होता है, इनमें चेंजमेंट होता रहता है, मतलब अगर नाम में और भी कई चीज़ें, इनकी रिसर्च चलती रहती है, इनका नाम क्या होता है, नामकरण होता रहता है, चेंज कर दिया जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना, CD4 को नष्ट कर देता है जो एड्स का वायरस होता है, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, टी सेल्स को, टी सेल्स को नष्ट कर देता है, या टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, या T4 को, ये चारों लिख लो आप। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इतनी बात लिख लो, बाकी समरी समझ लो थोड़ा, जो मेन आंसर है आपसे वहीं से फाइंड हो जाएगा, CD4, T4, लिम्फोसाइट और टी सेल्स। लेकिन इसकी समरी ज़्यादा जरूरी है, आप समझ लो इतनी केवल, इसे लिखें या ना लिखें। लिखा है HIV इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय द सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड द CD4 सेल्स। जो HIV इन्फेक्शन होता है, ये मोस्टली किसे डिस्ट्रॉय करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप्स होता है जिसे CD4 कहा जाता है, इसको वो ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर देता है, ठीक है। इफ़ टू मैनी CD4s, जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कौन, CD4s, तो बॉडी कैन नो लॉन्गर डिफेंड इट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है। इस वजह से द लास्ट स्टेज ऑफ द HIV इन्फेक्शन इज अकर्ड एड्स। तब क्या होता है, लास्ट स्टेज में एड्स हो जाता है आपको, आपके बॉडी में HIV इन्फेक्शन प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद क्या होगा, वो CD4 को नष्ट करने लगेगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी से CD4 सेल्स नष्ट हो जाएंगी, CD4 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, तो आपकी बॉडी क्या होगी, जो डिफेंड करती है आपको इन्फेक्शन से, वो डिफेंड नहीं कर पाएगी, और लास्ट स्टेज में क्या होगा, HIV इन्फेक्शन एड्स में बदल जाएगा। क्या होगा, मतलब गहरी तरह से आपको एड्स हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। लेकिन एक बात और मेंशन है यहाँ पर, पढ़ लें आप थोड़ा, आंसर जो थे हमने बता दिए यहाँ पर, लेकिन डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये लिखा है CD4 आल्सो नोन एज टी सेल्स, इसने टी सेल्स के नाम से जाना जाता है, बता दिया ये आरबीसी का, ये सॉरी WBC का एक टाइप्स होता है। यहाँ पर इस पॉइंट पे ध्यान दे थोड़ा, HIV फाइंड दी व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड दी CD4 सेल्स। HIV गेट्स इनसाइड दी CD4, HIV गेट्स इनसाइड दी CD4 सेल्स एंड मेक द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। अब समझे थोड़ी सी बात यहाँ पर, जो HIV जो होता है ना, HIV ये क्या करता है, जो WBC होता है, WBC के अंदर जो CD4 पाया जाता है, कौन सा, CD4, इसको ढूंढता है और इसी के अंदर प्रवेश कर जाता है, कौन, किसका वायरस, HIV वाला वायरस, ये वायरस इसके अंदर CD4 के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, HIV अपनी कॉपी कर लेता है, अपना फोटो कॉपी कर देता है, ये जीरोक्स बना लेता है, मतलब अपनी प्रतियां बना लेता है, और प्रतियां बनाने के बाद क्या करता है, ये CD4 को ख़त्म कर देता है यहाँ से। जब ये CD4 यहाँ से खत्म हो जाएगा तो दूसरा CD4 ढूंढेगा WBC में, दूसरा CD4 जाएगा उसमें अपनी कॉपी बनाएगा, फिर उसे खत्म कर देगा, फिर तीसरा ढूंढेगा, फिर उसको खत्म कर देगा। इसलिए क्या होता है, एक एक करके पूरे को खत्म कर देता है। और जब बहुत बड़ी मात्रा में इनकी कमी हो जाती है तो बॉडी हमारी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती और एट लास्ट हमको काफ़ी तगड़ी मात्रा में एड्स हो जाता है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ओके, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि जो एड्स का पहला मरीज था किस देश में मिला था और भारत में, इंडिया में किस राज्य में मिला था, ये आपको आंसर बताना होगा। ओके।
कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे, इन फ्यूचर कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है 8, दुग्धजनक हार्मोन का श्रावण कहाँ पर होता है, वेयर इज द सिक्रीशन ऑफ मिल्क हार्मोन्स, क्या होगा इसका राइट आंसर आप बताएं, सोचिए थोड़ा क्वेश्चन को देखें आप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। दुग्धजनक हार्मोन्स के बारे में जब भी बात की जाए, मिल्क हार्मोन्स कहाँ से निकलता है या कहाँ से रेगुलेटिंग होती है इसकी, तो आप बताएंगे इसकी जो रेगुलेटिंग होती है ना, कंट्रोलिंग, तो वो पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष ग्लैंड आल्सो कॉल्ड इज द मास्टर ग्लैंड। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्वेश्चन टू आंसर एटलीस्ट यू हैव टू लर्न इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ लीवर फंक्शन, बताएं भाई आंसर अपना, जिसकी क्या लिखा है यहाँ पर, किस एक की उत्पत्ति जो यकृत का कार्य होता है, मतलब लीवर का फंक्शन क्या है इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया का निर्माण करना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ द यूरिया, यूरिया बनाना। ओके, यहाँ पर पढ़ लें आप, यकृत अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है, ये कार्य किसका होता है, यकृत का, मतलब यकृत मतलब क्या होता है, लीवर होता है, लीवर से कौन सा जूस निकलता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे क्या लिखता है, बाइल निकलता है, क्या, पित्रस। और यकृत का कार्य क्या होता है, देखो पहला कार्य ये मान लो यहाँ पर यकृत का कार्य होता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप पढ़ेंगे इसका कार्य होता है ये बाइल प्रोडक्शन, मतलब बाइल का निर्माण करना, मतलब पित्त का निर्माण करना, पित्त का। इसका कलर कैसा होता है आप बताओगे, हल्का येलो कलर का होता है, कैसा होता है, हल्का येलो कलर का होता है। और सिक्रेशन करना मतलब उत्सर्जन तंत्र में योगदान देना इसका कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप पढ़ें अपना आंसर बताएं, ये लिखा है एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद विषाक्तता किसके कारण होती है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टफ जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, व्हाट काज ऑफ द फूड पॉइजनिंग कॉल्ड ऑफ द एफ्लाटॉक्सिन, क्या होगा राइट आंसर इसका। इससे पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आईएएस में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नर्सिंग एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो एफ्लाटॉक्सिन एक जहर टाइप होता है, पॉइजन होता है, ये जो भोजन होता है इसको उसको विषाक्त कर देता है, मतलब जहरीला कर देता है, तो वो बताना है आपको वो किस कैटेगरी में आता है ये एफ्लाटॉक्सिन, वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है या ऑक्सीजन की कमी से, तो ये होता है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्या, फंगस या फंगी कहें या कवक कहें, ठीक है, या मोल्ड्स कहें आप, क्या, MOLDS, इसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन होता है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जो फूड होता है, भोजन होता है या ग्रेन होगा, अनाज होगा, जब भी कोई अनाज अनुपयुक्त जगह में रखा होगा, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर नमी, ह्यूमिडिटी वहाँ पर पहुँच जाएगी उस अनाज में, तो उस पर क्या होता है, फफूंदी लग जाती। मान लो एक बोरे में क्या है, गेहूं भरा हुआ है या चावल भरा हुआ है, ठीक है, राइस है एक बोरे में, ठीक है, तो इसमें क्या है, कहीं से मान लो कि ये अच्छी जगह पे नहीं रखा, इसमें नमी लग रही है, कोई पोछा लगा रहा है घर में, तो इसमें क्या होता है, नमी लग रही है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इसमें फफूंदी पड़ जाएगी, क्या होगा, फफूंद जाएगा, मतलब मोल्ड्स हो जाएंगे या फंगस बन जाएंगे, और वो एक दूसरे में क्या होंगे, चिपकने लगेंगे, काफ़ी जब बड़ी मात्रा में चिपकने लगेंगे, तो एक सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस क्या, एफ्लाटॉक्सिन बन जाएगा, और जब ये व्यक्ति कोई भी इसे खा लेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। और ये किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से ऐसा होता है, ये एक प्रकार का फंगस होता है, लेकिन एक प्रकार का आप जहर समझे, ये पॉइजन होता है, जिसकी वजह से कोई भी भोजन से या कोई भी ग्रेनरी में बहुत दिनों तक अगर वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, वो उसमें नमी अमी है और काफ़ी लंबे टाइम तक रखा है, तो उस पर फंगस बन जाएगा, वो एक दूसरे में मिल जाते हैं और कई प्रकार के उसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के कई वो आ जाते हैं उसमें फाइबर्स टाइप के, तो कहेंगे को एफ्लाटॉक्सिन नामक एक पदार्थ था उस पर जो जमने लगा या मिल गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे डिटेल्स मेंशन है, थोड़ा समझ लें आप इसे, एफ्लाटॉक्सिन आदि पॉइजनस, ये कार्सिनोजेनस और इसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। एंटी म्यूटेजेंस डेट आर प्रोड्यूस बाय द सर्टेन मोल्ड्स, मोल्ड्स का मतलब फफूंदी लग जाती है, ठीक है, और उसका नाम क्या होता है, इस फंगस का जिसकी वजह से ये एफ्लाटॉक्सिन हो जाता है उसका नाम होता है, ये लिखा है आप पढ़ लें अपने हिसाब से, ये लिखा है एस्परजिलियस फ्लेवस, क्या लिखा है, एस्परजिलियस फ्लेवस, ये स्पेलिंग यहाँ पर मेंशन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है एफ्लाटॉक्सिन वाली। आपको जब ज़्यादा बात समझ में ना आए तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, जो किसकी वजह से हो जाता है, वो कवक या फंगस की वजह से हो जाता है, उस कवक या फंगस का नाम क्या होता है, ये नाम होता है ये।
ठीक है, यहाँ पर देख लें एस्परजिलियस फ्लेवस नाम होता है। और एक और होता है उसको भी देख लें यहाँ पर, उसका नाम होता है एस्परजिलियस परासाइटिकस, ये पढ़ लें यहाँ पर स्पेलिंग, ये लिखा है परासाइटिकस। ये दो होते हैं कवक या फंगस जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये लिखा है विच ग्रो इन सॉयल, इसका निर्माण कहाँ होता है, बनता कहाँ है, ये मिट्टी में बनता है। डिकेइंग वेजिटेशन, जो पता चला मटर लेके आए, मटर बहुत दिन दूर तक रखा रहता है, उसको देखा होगा उस पर क्या होता है व्हाइट कलर के, वो सड़ने गलने लगता है, ठीक है। तो और उस वो अगर वो काफ़ी दिनों तक वहीं रखा रहेगा, 2-3-4 हफ्ते 1 महीने तक, तो उसमें क्या होगा एफ्लाटॉक्सिन एक सब्सटेंस होता है वो बन जाएगा उस पर, और कोई भी व्यक्ति अगर उसे ऐसे ही खा लेगा, ठीक है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और भी कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कैंसर के कारण भी हो सकता है इसका, ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन की वजह से। अगर हाई लेवल में हो गया एफ्लाटॉक्सिन कैन काज द इलनेस, ये बीमार कर सकता है आपको, लीवर के आपके डैमेज कर सकता है। और जो पालतू जानवर होते हैं, पता चला कि उनको जो चारा दिया जाता है, जो खाना आना भोजन बच जाता है घरों में ना, तो वो क्या होता है पालतू पशुओं को दे दिया जाता है। किसे? पालतू पशुओं को दे दिया जाता है खाने के लिए, उनको ये भोजन दे दिया जाता है पालतू पशुओं को खाने के लिए दे दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है उससे फफूंदी पड़ जाती, मोल्ड्स हो जाते हैं, और ये इनको बीमार कर देते हैं, हो सकता है कभी कभी इनकी अचानक मृत्यु भी हो जाती है पशुओं को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतें, और किसी भी प्रकार का इस प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचना है, ठीक है। किसकी वजह से हुआ था ये? फंगस की वजह से हुआ था। हिंदी में यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है एस्परजिलियस फ्लेवस नामक कवक से ये होता है। कौन सा? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता, मतलब फूड पॉइजनिंग कहेंगे इसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ ले 11 नंबर। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, ये सभी शुगर के टाइप लिखे, जो सबसे मीठी होती है इन सब में वो कौन सी है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज एक प्रकार की टाइप्स ऑफ शर्करा है या शुगर का प्रकार है जो सबसे मीठा होता है, फ्रैक्टोज। ये सभी चीनी के टाइप्स हैं, ठीक है, शुगर के, लेकिन जो सबसे मीठा वाला है ऑप्शन सी वाला, फ्रैक्टोज। ओके, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्टोज ये मीठी चीज़ों में पाया जाता है। मान लो आप जैसे फल नहीं होते, फल फलों के जूस में या फल में पाया जाता है, जितने भी मीठे फल होते हैं, नींबू खा के आप मत कहना कि हमें या मौसमी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्या हो जितने भी प्योरली मीठे होते हैं, ठीक है, उनमें फ्रैक्टोज काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और ये सबसे मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? सुक्रोज भी एक प्रकार का चीनी का टाइप है, कई बार पूछा गया सुक्रोज कहाँ पर है, गन्ने में पाया जाता है और चुकंदर में, मतलब शुगर बीट में। शुगर बीट को चुकंदर, यहाँ पर शुगर बीट को क्या कहते हैं? चुकंदर कहते हैं, चुकंदर को शुगर बीट कहा जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाएगा? गन्ने में पाया जाएगा और चुकंदर में पाया जाएगा। मल्टोज के कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मल्टोज किस में पाया जाता है? ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अंकुरित अनाज का मतलब ये होता है, मान लो कि आपने कोई भी दाल या कोई भी ऐसी चीज़ पल्सेज को पानी में डाल के फुला दिया, और वो 24 घंटे के बाद क्या होता है उससे स्प्राउटिंग होने लगता है, मतलब अंकुर आ जाता है, आपको लगेगा कि वो पेड़ बन रहा है, मतलब जग जग जाता है, ठीक है, ऐसे छोटा सा बीज होगा और उसे ऐसे जगने लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं अंकुरित बीज, और इंग्लिश में उसे स्प्राउट सीड के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी? ये वाली पाई जाएगी, कौन सी? मल्टोज शर्करा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये लिखा है मानव तंत्र में निम्न से सबसे, सॉरी यहां पर पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम्स नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द ह्यूमन सिस्टम, क्या होगा राइट आंसर? जो पाचक एंजाइम्स नहीं है, बाकी सभी हैं, एक नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम्स नहीं है, बाकी जो हैं वो सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं या डाइजेस्टिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गैस्ट्रिन है ये पाचक एंजाइम्स या डाइजेस्टिक एंजाइम्स नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे लिखा लिगामेट जोड़ता है, द लिगामेट कनेक्ट्स, क्या होगा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आप बताएं आंसर। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या? ऑप्शन बी, इसे कहते हैं बोन टू बोन। लिगामेट क्या करता है? बोन टू बोन या हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, इसे लिगामेट कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लिगामेट किसको किसको कनेक्ट करता है, तब आप बताएंगे ये एक हड्डी से दूसरी हड्डी को कनेक्ट करता है, या आप इतना ध्यान रखें ऑप्शन में हमेशा हड्डी को हड्डी से बोलेगा, या हड्डी ना लिखा होगा तो आपको मिलेगा अस्थि को अस्थि से कनेक्ट करता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, इंग्लिश में मिलेगा बोन टू बोन कनेक्ट करता है, कौन? लिगामेट, ये इसका काम होता है, या लिगामेट का मतलब होता है, आप इस तरह समझ लें कि लिगामेट का मतलब होता है बोन टू बोन कनेक्शन।
यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट और है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये लिगामेंट के बारे में बताया गया, कनेक्ट वन बोन टू अनादर बोन, ये लिगामेंट के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, लिगामेंट या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ये लिगामेंट के बारे में है। अब हम बात करेंगे टेंडन, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, लिगामेंट टेंडन से कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना टेंडन किसे कहेंगे, ये हड्डी को पेशी से कनेक्ट करता है, टेंडन्स क्या कर देगा, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करता है। आप इतना लिख ले, टेंडन इज इक्वल टू मसल टू बोन, मतलब मसल्स से बोन को कनेक्ट करता है, या बोन से मसल्स कनेक्ट होगी उसे क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। इतनी बात आप लिख लें ज़्यादा अच्छा होगा, टेंडन किसे, हड्डी और मसल्स या पेशी को कनेक्ट करता है, इंग्लिश में लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, हिंदी में भी दिया है। टेंडन क्या करता है, मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। इतना आंसर आपके लिए काफ़ी है और पूछा बहुत जाता है ये दोनों क्वेश्चन, टेंडन्स और लिगामेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, ऑटो एनालाइजर द्वारा निम्न में से किसकी जांच की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोसिस बाय द ऑटो एनालाइजर, क्या होगा आप इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑटो एनालाइजर के द्वारा क्या किया जाता है, ग्लूकोज की जांच की जाती है, यूरिया की जांच की जाती है आपके बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं कितना है कितना नहीं, इनके बारे में ऑटो एनालाइजर के द्वारा पता किया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का डिवाइस होता है इससे पता किया जाता है, इससे जाँच की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ें, आप अपना आंसर बताएं, ये लिखा है मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, वेयर डज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमंस, क्या बताएंगे आप इसका आंसर, काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है ये ऑप्शन बी, ये लिखा है मुख गुहा से, फ्रॉम माउथ ओरल कैविटी, मान लो आप यहाँ पर गुहा हुआ ना लिखा हो तो आपका आंसर क्या होगा, माउथ होगा, केवल मुंह से प्रारंभ होता है, ठीक है। अभी हमने बताया जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ों में क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन स्टार्ट होता है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मीठी चीज़ें खाने से क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट मतलब इमीडिएट एनर्जी मिलती है, इसका मतलब कि आपको तत्काल ऊर्जा मिल जाएगी, ओके। तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होगा कहाँ से, मुँह से प्रारंभ होगा या मुख गुहा से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान दें आप, यहाँ पर लिखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुँह से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, कई बार लिख दिया जाता है आमाशय में क्या होता है, तो आपको बताना आमाशय मतलब होता है स्टमक, पेट से नहीं होता, लेकिन जो नीचे पॉइंट लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार कई बार एग्जाम्स में पूछा गया पीसीएस में, एसएससी में, आर्मी में, नर्सिंग में, कि जो प्रोटीन होता है इसका पाचन कहाँ से होता है, तब आप बताएंगे आमाशय, आमाशय मतलब पेट या स्टमक आप लिख लें। और एक क्वेश्चन और बनता है कि वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तब आप बताएंगे इसका जो पाचन होता है मतलब डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन कहाँ से होता है, स्टमक में होता है, कहाँ, स्टमक से प्रारंभ होता है, प्रोटीन एंड फैट का जो डाइजेशन होगा वो आमाशय या पेट या स्टमक से प्रारंभ होता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग करके पूछा जाता है एग्जाम्स में कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होगा, तो आप बताएंगे आमाशय या स्टमक से होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है या कहाँ होता है, तब आप बताएंगे कि आमाशय में होता है, ओके, आमाशय से प्रारंभ होता है। ये दोनों क्वेश्चन तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट जब भी पूछेगा तब आप बताएंगे माउथ से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर लिखा, एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके बच्चे होंगे, इफ़ आ कलर ब्लाइंड वुमेंस, वर्णांग का मतलब है कि कलर ब्लाइंड वुमेंस जब किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से मैरिज करेगी तो उसके जो बच्चे होंगे वो वर्णांग होंगे, कलर ब्लाइंडनेस होंगे, या कैसे होंगे, या सामान्य होंगे कि मतलब कॉमन होंगे, तो आपको बताना है क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ें, फिर इसके बाद जो ऑप्शन दिए गए इनको ध्यान से पढ़ें, तब अपना आंसर आप बताएं। यहाँ पर दिया गया है जो एक कलर ब्लाइंड वूमेन है, एक नॉर्मल आदमी से किसी भी पुरुष से शादी करेगी तो उसके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, जो सन्स होंगे बेटे होंगे वो सारे क्या होंगे, कलर ब्लाइंड्स होंगे, कैसे होंगे, यहाँ ब्लाइंड्स मत लिखना है, कलर ब्लाइंड्स होगा, ठीक है, कलर ब्लाइंड्स, और जो डाटर्स होंगी वो कैरी डाटर्स होंगे, मतलब इसको ले जाने वाली वाहक पुत्रियाँ होंगी, जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, वर्णांग होंगे, मतलब जो भी बच्चे होंगे, अगर महिला जो है, स्त्री जो है वो अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति से विवाह करेगी तो उसके जो बेटों में लक्षण आएंगे, जो लड़के होंगे ना, बेटे उसके, पुत्र, बॉयज, वो सभी उन सभी बच्चों में क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है ये समझ लो, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसीजन एग्जाम से पूछा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस कैसा बीमारी है, तो आप बताओगे जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब होता है अनुवांशिक बीमारी है, कैसा, अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और
कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, लाल और हरे रंग में, हरा और लाल में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति क्या होता है, पहचान नहीं कर पाता। जनरली तो थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन क्या होता है, जब उसको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है, इस तरह एयरफोर्स आर्मी नेवी में क्या होता है, टेस्टिंग की जाती है आई की, वहाँ पर अच्छे से फाइंड किया जाता है। या आप कभी मेडिकल्स कहीं पर जाना, अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप चेक करा। तो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते ये वाले बंदे, कौन से कलर ब्लाइंडनेस वाले बंदे, लाल और लाल, रेड और ग्रीन वाले जो कलर होता है ना, इसमें पहचान नहीं कर पाते, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वर्णांग कहा जाता है हिंदी में, कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में कहा जाता है। तो जब एक कोई ऐसी स्त्री होगी जो एक जो वर्णांग है मतलब कलर ब्लाइंडनेस, और नॉर्मल व्यक्ति से शादी करेगी, कोई भी पुरुष नॉर्मल है उससे शादी करेगी, तो उसके जो बच्चे लड़के होंगे तो वो कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन लड़कियां क्या होंगी, वो कैरियर होंगी, लड़कियों में नहीं होगा, लेकिन लड़कियां क्या होंगी, कैरियर डॉक्टर्स होंगी। उस ये जो वर्णांगता है ना, ये उनके बेटों में होगी जाके, ये उनके बेटों में होगी, इनको नहीं होगी। लड़कियां इसमें फ्री होंगी, लड़के तो हो जाएंगे, लड़कों में कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो लड़कियां होंगी, इनका जिससे शादी होगा उनके बच्चों के बच्चों में जाएगा, ठीक है, इनके बच्चों में जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये कैरियर लिखा है यहाँ पर। लड़कियां यहाँ पर फ्री होंगी पहली बार, ओके। सेकंड में क्या होता है, 50% चांस होते हैं कि इनके बच्चों में होगा। फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो उनके बच्चों में 25% चांसेस होंगे कि हो। यहाँ पर पॉइंट इंग्लिश में मेंशन है, यहाँ पढ़ लें थोड़ा सा। वेन आ कलर ब्लाइंड वूमेन्स मैरिज आ नॉर्मल विजेंट मेल, डॉटर्स विल बी कैरिड कैरियर फॉर दिस डिसीजन, डॉटर क्या होंगी, ये डिसीजन ले जाने वाली होंगी, एंड जो सभी बच्चे होंगे उनके कलर ब्लाइंड होंगे, क्या उन मतलब वर्णांग होते हैं। वर्णांग का मतलब क्या होता है, लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाते। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्णांग वाले जो व्यक्ति होते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले, वो कौन से रंग में पहचान नहीं कर पाते, लाल हरा पीला नीला, तो आपको बताना होगा हरा और लाल में पहचान नहीं कर पाते, मतलब ग्रीन और रेड में पहचान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ओके, समरी बता दिया है, डिटेल्स काफ़ी सारा यहाँ पर मेंशन था, आप पढ़ लें दोबारा उसे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 17 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। ये लिखा, थायराइड ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय दी थायराइड ग्लैंड, राइट आंसर क्या होगा, अगर बताना चाहें तो बता सकती हैं आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित या निकलता नहीं है, सिक्रेटेड नहीं होता। ये लिखा है थायरोट्रोपिन, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा नहीं निकलता। बाकी जो तीनों दिए गए हैं, कैल्सिटोनिन एंड द थायरोक्सिन एंड द ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये सभी तीनों हार्मोन से निकलते हैं, इसके अलावा ये थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता हार्मोन, से स्रावित नहीं होता। यहाँ पर आप देख ले अच्छे से, ये मेंशन है यहाँ पर, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इसे T3। एक बात और ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है जब पेपर टफ बनता है तो थोड़ा क्या होता है, घुमा देते हैं वो लोग, कि ये लिखा है ट्राई आइडो थायरोनिन, इसे T4 हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जो थायरोक्सिन्स होता है, सॉरी, इसे T3 के नाम से जाना जाता है। ट्राई मतलब होता ही है तीन, ठीक है, ट्राई मतलब क्या होगा, तीन, तो आपको तीन ध्यान रखना है, मतलब T3, और थायरोक्सिन को T4 कहा जाता है, और तीसरा जो हार्मोन्स होता है कैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, स्रावित होते हैं, सिक्रिटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स, कौन कौन से, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। मोस्टली कई बार क्वेश्चन जो दिया जाता है इसको लेके दिया जाता है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, इनसे तो क्या होता है, आप गेस कर सकते हैं एग्जाम्स में कि हाँ ये थायराइड ग्लैंड से मैच खाते हैं नाम भी, ठीक है, तो आप बता देंगे जनरली। लेकिन जब भी पेपर सिंपल बनता है तो ये पूछा जाता है, लेकिन जब भी पेपर टफ बनता है, वैसे भी आपकी जानकारी के लिए PCS में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ से निकलता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, विच इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू आइडेंटिफाई ट्यूमर्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या होगा राइट आंसर, ये आपको बताना होगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद डिटेल्स के साथ, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सबका आंसर हम अच्छे से कवर करेंगे, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको आंसर बताना होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं, तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे सभी टेस्ट सीरीज से अपडेट रहेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ठीक है। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है तो क्या किया करें, चैनल्स पर जाया करें, या प्ले लिस्ट पर, या आपकी स्क्रीन पर आई बटन दिख रही होगी, आपकी स्क्रीन पर आई बटन दिख रही होगी, उसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन शो होता रहता है, ठीक है, उसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी।
ओके सभी प्लेज लिस्ट मिल जाएंगी, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आई बटन होती है यहाँ पर, ठीक है, राइट हैंड पे, तो यहाँ पर आप ओके करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होते रहते हैं, इस पर जब ओके करेंगे तो आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, या आप चैनल्स पे, या प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ओके आप सर्च कर सकते हैं जीएस इंडिया नर्सिंग के नाम से, आप सर्च करेंगे तो आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।